नहीं बनाई साथियों। यही कारण है कि झारखंड में बोली जाने वाली खोटा भाषा पंच परगनिया कुरमाली मुंडा ना चाहते हैं कि इस राज्य में और इस देश में आधी आबादी महिलाओं की है और आधी आबादी महिलाओं के ऊपर आजकल बड़ा जोर है सरकार का, समाज में आई है, लेकिन हमारी बहनों को केवल केवल वोट बैंक ही नहीं समझा जाना चाहिए, अलग राज्य बना सुबह, क्योंकि झारखंड राज्य महिला आयोग अधिनियम में 9 सदस्य होने चाहिए, 3 सदस्यों के द्वारा काम चलाया जा रहा है। साथियों, हम ये कहना चाहते हैं कि झारखंड में महिला उत्पीड़न की घटनाएं भी बहुत चरम पर है। 3 जिलों में केवल 200 मामले तो डायन हद, किस दिए में दम होगा, जलता रहेगा। मैं इतना ही कहकर अपनी बात समाप्त करती हूँ। सबको फूल जोहार। सभी से मैं आग्रह करूंगा कि आप आए और मेरा दीदी को बुके से सम्मानित करें। मैं धनंजय जी से आग्रह कर बुके देकर सम्मानित करें। हमारे बीच बैठे तलब मैंने जी को भी बुके देकर सम्मानित करें। अभी बिलसन जी से आग्रह करूंगा कि हम सब के बीच बैठे नर्मदा बचाओ आंदोलन के स्कूलों में पढ़ाई करें। इस देश की महिलाएं न केवल साक्षर हो, वो नेतृत्व में और प्रखरता से आगे आकर नेतृत्व करें। वो सपना पूरा नहीं होगा, इसलिए सोमुआ जैसे संगठनों को इस बात को गारंटी करनी है। और मुझे खुशी है कि महाजनों के खिलाफ, शोषकों के खिलाफ और सामाजिक सद्भाव के लिए जिस ढंग की लड़ाई सोमुआ ने लड़ी है, इससे झारखंड को दिशा मिलती है, इससे इस झारखंड को एक नया आयाम मिलता है। आइए मिलकर हम इस लड़ाई को और आगे बढ़ाएं और साथ ही उन 2000 में जो झारखंड बना था, वो झारखंड का सपना अधूरा है। यहाँ प्रतीक के रूप में जिस बिरसा मुंडा और सिद्धू कान्हू को खड़ा किया गया है, इनके सपने अधूरे हैं, इनके अरमान अधूरे हैं, इनके विचार अधूरे हैं। हजारों हजार लोगों की उन कुर्बानियों और उन शहादतों और खूनों का मूल्य हम सबको मिलकर चुकाना है। और केवल इंसानियत को और इंसानी इज्जत के साथ जीने वालों के हर अधिकार के लिए लड़ते रहेंगे और लड़ते रहे हैं। वही हम सबके बीच में आज एक संवाद का दुआ बन गया। मैं बहुत ज्यादा नहीं बोल, समस्याओं के सामने यहाँ के संघर्ष को लेकर हम देश भर जन आंदोलनों के साथी जो प्रेरणा पाते हैं उसको समझें। मैं बहुत खुश हूं कि मैं दामोदर के किनारे पढ़ाई पहुंच गई हूं। मैं खुश हूं कि ये कोयले और खनिज संपदा से भरपूर क्षेत्र में मैं पहुंच गई हूं। लेकिन आज इस देश की हमारी नदियां हो, हमारा भूजल हो या हमारे कोल और गैस जैसी खनिज संपदा हो, इसके साथ जो खिलवाड़ हो रही है, जिसका जिक्र माधवी जी ने और फैसल अनुराग जी ने किया, उसकी पोल खोल भी अगर करनी है तो मुझे लगता है कि डीबीसी के क्षेत्र से ही करने की जरूरत है। और ये काम भी निर्माण में लगे हुए संघर्षशील और निर्माणशील हमारे युवा साथियों ने करना है। अखंडता के और आज ये दोनों प्रकार का युद्ध जनसंघर्ष के रूप में पूरे देश में चल रहा है। पूरे देश में कौन नहीं जानता जल जंगल जमीन का। ओके, यहाँ बहुत ज्यादा नदी प्रदूषित हो रही है, कुनार और दामोदर, आप नर्मदा तक ही हैं, क्या यहाँ भी ध्यान देंगे आप अपने ऊपर? हर नदी को बचाने का हमारा तो संकल्प है, लेकिन जरूरी भी नहीं है कि वही समूह हर जगह पर पहुँच जाए। यहाँ जो जन आंदोलन चल रहे हैं, जो संघर्ष है, उनको एक राष्ट्रीय समन्वय के साथ जोड़ना ये हम चाहते हैं। और इसीलिए दामोदर बचाओ, नर्मदा बचाओ या कृष्णा कावेरी गोदावरी बचाओ, हर एक नदी के किनारे के लोगों ने, इसमें गाँव के लोग भी आए और शहर के भी आए, न केवल विस्थापित बल्कि प्रस्तावितों में से भी जो संवेदनशील और विचारशील है, उनको एकत्रित आकर एक संघर्ष छेड़ना हो। एक चीज की सच्ची श्रद्धांजलि हम भी अब्दुल हमीद जी के लिए। प्रदूषण हो रहा है जी। मैं आपको बताऊं कि ये कोयले और कोयले के आधार पर केवल प्रदूषण नदियों का नहीं हो रहा है, पूरा जलवायु परिवर्तन हो रहा है। और इसीलिए थर्मल पावर पर भी रोक लगानी पड़ेगी, क्योंकि थर्मल पावर के ही तहत इस देश में ही नहीं दुनिया में
सबसे ज्यादा जलवायु परिवर्तन हो रहा है। हमको हमारे जो ऊर्जा के सही स्रोत है, मनुष्य शक्ति से लेकर बहते हुए पानी को रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट के तहत पावर और सिंचाई के लिए उपयोग करना, और विद्युत वायु से आने वाली हो या समुद्र की लहरों से या सौर ऊर्जा से, उसको हमको हाथ में लेना होगा, जो झारखंडी आदिवासियों की जिंदगी हमको सिखाती है। एक क्वेश्चन सिर्फ, यहाँ के लोगों को अब्दुल हमीद के लिए सच्ची श्रद्धांजलि का क्या उद्देश्य देना चाहेंगे? मुझे लगता है कि अब्दुल हमीद जिस उम्र में शहीद हुए थे, उसी उम्र के सभी युवाओं को एकत्रित आकर एक संकल्प करना पड़ेगा कि देश के अंदर जात पात धर्म प्रांत के नाम पर और गैर बराबरी के कारण जो संघर्ष चल रहे हैं, उद्योग और खेतीहरों के बीच में भी या गांव और शहरों के बीच में, विस्थापित और प्रस्थापितों के बीच, उसमें अपना पूरा जीवन देना होगा। अगर जीवन नहीं तो कम से कम एक साल देने के लिए, यहाँ के अगर 25 युवा भी सामने आते हैं तो हम उनके साथ लड़ाई लड़ने को तैयार।